अपनी रेसिपी की तरफ। चरगा है, चरगा को मैंने पहले से कट लगाए हुए हैं, ये देखें। इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, उसके कट मैंने पहले आपको लगाना बताए हुए हैं। इस तरह आपने टेढ़े कट लगाने हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह, अच्छी तरह। और लेग्स पे भी, इसमें भी आप इसको मसाला लगा सकते हैं किसी बॉल में भी, लेकिन मैं क्या करूँगी कि जिस बर्तन में मुझे स्टीम करना है मैं उसी में ही इसको मसाला लगाऊँगी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अब दही लेंगे। दही मैंने आधी प्याली ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद एक खाने का चम्मच लहसुन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है कुटा हुआ, एक खाने का चम्मच फुल भर के, ये आप देख रहे हैं, इसको फुल भर के मैंने अच्छी तरह वो लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, ये आप देख रहे हैं मोटा मोटा है। इसके बाद खुश्क धनिया लिया है एक टीस्पून, और ये हल्दी है, हल्दी हाफ टी स्पून। इसके साथ ही काली मिर्च है, काली मिर्च एक टीस्पून मैंने ली है अच्छी तरह फुल भर के। जितनी एक चम्मच के ऊपर आ सकती थी वो मैंने सब ऊपर डाला है। और ये एक खाने का चम्मच ये बड़ा फुल अच्छी तरह मैंने इसको अच्छी तरह ऐसे करके प्रेस करके फुल मैं आपको भर के लिया है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह फुल भर के लिया है। और ये नमक है, ये भी एक खाने का चम्मच मैंने लिया है। हम क्या करेंगे कि सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं हाफ टी स्पून फूड कलर लिया है, इसको हम जरदा रंग भी बोलते हैं। इसके साथ ही लेमन जूस है, मैंने इकट्ठा निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस नहीं है आपके पास, ये चार खाने के चम्मच हैं, ये आप देख रहे हैं। लेमन जूस आपके पास नहीं है तो आप सिरका भी ले लें, लेकिन लेमन जूस का थोड़ा सा अपना मज़ा है। और एक खाने का चम्मच इसमें मैं सिरका भी शामिल करूंगी। एक खाने का चम्मच सिरका मैंने डाला है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये बहुत मज़े का बनता है। मैं जो है घर में तकरीबन रोज़ दूसरे दिन मैं हमारे घर में ये लाजमी बनता है, और सब इतना पसंद करते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और इतना डिलीशियस और मज़े का होता है कि क्या बताऊँ। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आपने एक और काम करना है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है लाल मिर्चों पर और नमक पर या इसके टेस्ट पर, थोड़ा थोड़ा सा इससे टेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। नमक थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसकी मैं एक और बात बताऊँ, चरगे मैंने पहले भी दो वीडियोस लगाई हुई हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसमें नमक थोड़ा सा आप तेज़ रखा करें, क्योंकि जब आप स्टीम करते हैं तो काफ़ी नमक जो होता है वो निकल जाता है। आप इससे यहाँ टेस्ट कर लें, मैंने हाफ टी स्पून नमक जो है वो और शामिल किया है, समझे डेढ़ खाने का चम्मच जो है वो हो गया है नमक। बाकी स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा तीखा जब आपके ज़बान को लगे तो आप समझे कि चरगे का मसाला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। पहले भी मैंने दो चरगे, एक क्रीमी चरगा बताया हुआ है और एक जहाने पकवान स्पेशल मसाला जो मेरा है उसके से मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, और ये भी मेरी अपनी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। क्लियर डाला है। बिस्मिल्लाह। ताकि जो चरगे को कलर जो है वो अच्छा सा कलर आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर डाला है। पहले जो मैंने किया था वो सिरका और फूड कलर अलग डाला, इसके ऊपर लगाया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, इस कम्बिनेशन में ही मैंने फूड कलर डाल दिया है, तो इसमें हम इस तरह इसको ऊपर अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है कि जो सारा मसाला है इसके ऊपर आपने अच्छी तरह कोट कर देना है। ये जो कट है ये इसके अंदर आपने अच्छी तरह मसाला जो है वो डालना है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ग्लव्स जब भी पहनती हूँ, होते तो ये बिल्कुल नीट हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको वॉश करके पहनती हूँ, ये पता नहीं मेरे जहन में क्या आता है। इस तरह आपने सारे चरगे पे इसको लगा देना है, आप एक साथ डाल दें इस तरह, अच्छी तरह इसको आपने कोट करना है और अच्छी तरह इस तरह आपने इसके ऊपर लगाना है। ये देखें आप, मैंने इसके अंदर तक अच्छी तरह लगाया है, लेग्स के पे, लेग्स पे भी, ताकि कोई जगह ऐसी ना हो जिसके अंदर मसाला ना जाए। होममेड जो चीज़ होती है इसका यही जायका होता है, बाहर से चीज़ से उसका जायका बहुत मज़े का और मुनफरिद होता है।
सारा मसाला मैंने इस पर अच्छी तरह कोट कर दी है। आपने एक और काम करना है, मैं आपको छोटी सी टिप भी आप समझ लें, अगर आपको इसको इस तरह सिर्फ स्टीम करके खाना है तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो इसके ऊपर ऑयल डाल देना है मसाले के अंदर, ताकि जो आप स्टीम करें उसमें वो जायका थोड़ा सा इसका मज़े का और चेंज आए। इससे आप क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी लेग्स हैं ताकि ये अलग ना हो और प्रॉपर इसकी जो चरगे वाली शेप आए इसको हम यहाँ से धागे से बांध लेंगे। मसाला अच्छे से हो गया है, इसको मैं तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा, आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 मिनट के तक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं कवर करके फ्रिज में आप रख दें, इस तरह आप कवर करके रख दें वो आपकी अपनी मर्जी है। इसको मैं कवर करके लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 40 मिनट हो गए हैं, चरगे को मैंने इस तरह रख दिया था, टाइम दिया था इसको, इसको मैं फुल फ्लेम पे रख दूंगी और स्टीम करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चरगा बिल्कुल स्टीम हो गया, ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने पहले एक चरगा रेडी किया है, घी आप देख रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चरगा डायरेक्ट मैं इसमें डाल दूंगी। स्टीम करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सेम वही तरीका है। दूसरे चरगे की वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगे। इस तरह आपने इसको कुछ टाइम के लिए, 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करके कलर दे लेना है। 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से, अब इसमें दूसरी साइड से करूँगी। ये आप ये देख चेक करें, लेग पीस से अच्छी तरह ऊपर से जो चिकन है वो हड्डी उसने छोड़ दी है, बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। और एक आप ऐसा, और ये देखो कलर देख चेक करें आप, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया है चरगे का। इसी तरह आपने दोनों साइडों से इसको 3-3, 2-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है, कम अज़ कम 3-3 मिनट के लिए। और दूसरे नंबर पे जो आप स्टीम का जो आपका मसाला बनता है उसको आप कहीं भी यूज़ कर ले। मैं क्या करती हूँ, जार में डाल के रख लेती हूँ, जब मैं चावल बनाती हूँ, राइस बनाती हूँ या इसके साथ रायता तैयार करती हूँ, उसमें आप चावल में उस मसाले को आप शामिल करें जो आपके चरगे से बचता है। यकीन करें इतने मज़े के चावल बनते हैं, सब आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या मसाला ऐड किया है। इस तरह आप चेक करें चरगे का कलर कितना खूबसूरत आया है। इस तरह हम इसको 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। चरगा बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का बना है। इसके ऊपर हम लेमन लगाएंगे और साथ ही मैंने चूरन की रेसिपी भी बताई हुई है, वो आप इसके साथ सर्व करें इसके ऊपर छिड़के, बहुत मज़े का और चटपटा चरगा जो आपका है वो तैयार होगा। इसी तरह इसको बनाएं और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको मेरी चरगे की वीडियो रेसिपी कैसी लगी है। ये तीसरा चरगा मैंने आपको बनाना सिखाया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।